तो गाइस आपको अगर नहीं पता तो मैंने पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ गाइस, अगर बात करिए अगर गूगल की और यूट्यूब की यार कितनी उनमें कीवर्ड्स मैटर करती है यार, उससे भी ज़्यादा कर सकते वो इंस्टाग्राम के लिए हैशटैग मैटर करती है। लेकिन बहुत लोग यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं कि गाइस वो अपनी पोस्ट में हैशटैग नहीं डालते, डाले तो भी गाइस अलग अलग जहाँ पे वो डाल देते, उन्हें नहीं पता कि गाइस कहाँ पे डालनी है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हैशटैग जो अपने कैप्शन में वो डाल चुके हैं, ये भी गलती है गाइस। आपको मैं वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगी गाइस आपको इंस्टाग्राम की हैशटैग्स कहाँ पे डालनी है एग्जैक्टली। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस तरीके की क्वालिटी वीडियोस देखने के लिए, या अगर वीडियो आपको एंड में अगर पसंद आई तो गाइस एंड में जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और मेरे भाई सब्सक्राइब बिल्कुल भी कर सकते हो क्योंकि इस तरीके से वीडियो आप कभी भी मिस नहीं कर सकते। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर इंस्टाग्राम स्टोरी की अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो गाइस यहाँ पे दो जगह पे आप अपनी जो हैशटैग्स लगा सकते हो, एक तो गाइस बात हो गई ये अपनी पोस्ट के अंदर एक, और सेकंड आपकी स्टोरी के अंदर एक। स्टोरी के अंदर भी आप हैशटैग डाल के बहुत सारे व्यूज़ अपनी स्टोरी पे पा सकते हो और अपने फॉलोअर्स भी आप बढ़ा सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं यार आपको जो अपनी जो हैशटैग से आप कम्प्लीटली आप कैसे उसे अनाउंस करके आप कैसे आप डाल सकते हो। तो चलिए गाइस आपको पहले से मैंने यहाँ पे एक मैंने पोस्ट लेके आपको ईजिली समझा देता हूँ कैसे आपको कर लेनी है। यहाँ पे मैंने अपनी जो फ़ोटो जो ले ली है, मतलब सॉरी कहाँ पे है यार मेरा फ़ोटो, मैंने पहले एक फ़ोटो ले लेता हूँ गाइस, फ़ोटो लेने के बाद आपको बाद में समझा देता हूँ। यहाँ पे फ़ोटो ओके गाइस मैंने यहाँ पे मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद देन आपको राइट में साइड में आपको क्लिक कर लेनी, क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको हैशटैग्स पहले ओपन कर लेने हैं। तो गाइस यहाँ पे कैप्शन में जाके आपको पहले हैशटैग सर्च कर लेने हैं, और याद रखिए गाइस आपकी जो आपकी फ़ोटो है उसके रिलेटेड ही आपको हैशटैग्स सर्च कर लेने हैं। बहुत लोग फालतू ऐसे ऐसे कमेंट हैशटैग्स उठा लेते हैं जिनमें वो बिल्कुल भी रैंक नहीं कर सकते अपनी प्रोफाइल। तो गाइस मेरे जो प्रोफाइल फ़ोटो है यार ये एक पोर्ट्रेट फ़ोटो है, मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ पोर्ट्रेट बोल के। तो गाइस यहीं पर मेन है यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप नीचे जो देख सकते हो यार पोर्ट्रेट बोल के मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पब्लिक पोस्ट बोल के राइट साइड में यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब यही पे मेन इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप ध्यान से समझो यार। मतलब आपको ये सेलेक्ट कर लेने है, मतलब 142,14,25,000 कितनी पोस्ट यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब इसके ऊपर इतने लोग अपनी फ़ोटो के ऊपर इतने हैशटैग लगा चुके हैं, मतलब इसके ऊपर गाइस बहुत ही कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। आपको इस तरीके से टैग्स बिल्कुल भी नहीं सर्च कर लेने, मतलब इन अगर इतनी कंपटीशन ज़्यादा रहेगी ना गाइस तो आपकी प्रोफाइल आपकी जो फ़ोटो है यार वो बिल्कुल भी रैंक नहीं कर सकती इस टैग हैशटैग पे, इसलिए आपको कम कंपटीशन वाली हैशटैग सेलेक्ट कर लेनी है। मतलब आपको 100K के आजू बाजू जो पोस्ट रहते हैं यार 100K के आजू बाजू रहने वाले आपको पोस्ट टैग्स को सेलेक्ट कर लेनी है। मतलब आपको अगर इस टैग पे उतनी पोस्ट वाली हैशटैग नहीं मिल रही तो इसको आप थोड़ा लंबा भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी बोल के कर लेता हूँ। ओके गाइस पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर लिए, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यार यहाँ पे फोर्थ पे जो आ रहा है इस पे को इसके ऊपर ओनली 42,000 पोस्ट है, मतलब ये अगर टैग आप सेलेक्ट कर लोगे तो गाइस इसके ऊपर आप इजीली रैंक हो सकते हो, ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। इस तरीके से आपको मैक्सिमम अगर बात करें तो गाइस इंस्टाग्राम में आप 40 टैग्स लगा सकते हो, मैं अगर रेकमेंड करूँ तो गाइस 30 टैग्स ही आप लगा सकते हो, मतलब आप 30 टैग्स से अगर ज़्यादा आप लगा लेते हो ना गाइस आपको तो बाद में प्रॉब्लम ज़रूर हो जाएगी गाइस, अगर आपकी एक्शन ब्लॉक की भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर आपको एक्शन ब्लॉक की अगर प्रॉब्लम हो रही है ना गाइस तो आप यहाँ पे राइट साइड में जो वीडियो दिख रही हो उस वीडियो को देख के आपकी जो एक्शन ब्लॉक भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए गाइस आप बात करते हैं इस तरीके से आप अगर सारी 30 टैग्स अगर कॉपी कर लिए ना गाइस तो आपको बाद में जो है यार इनको सारे टैग्स को आपको कॉपी करके जो आपकी कमेंट सेक्शन में आपको इन सारी टैग्स को आपको डाल लेनी है। आप इस तरीके से 30 टैग्स आपको सर्च कर लेनी है, सर्च करके जो आपकी जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपको जो पोस्ट करने के बाद उसमें कमेंट में आपको ये अगर हैशटैग्स डाल लेनी है तभी अच्छी तरीके से एफिशिएंट वर्क करेगी। अगर आपकी पोस्ट में अगर डालेगी तो गाइस बाद में आपको एरर्स भी शो हो जाएंगे आपको, तो इसलिए कमेंट में आपको जाके डाल लेनी है। अगर आप बात करते हैं गाइस आपको अगर स्टोरी में आप कैसे आपकी हैशटैग्स आप डाल सकते हो, मतलब स्टोरी यहाँ पे मैंने स्टोरी सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक पोस्ट ले लेता हूँ स्टोरी पे आपको अच्छी तरीके से बताने के लिए, आप नीचे मैं जा लेता हूँ, नीचे जाने के बाद यहाँ पे एक स्टोरी लेता हूँ गाइस, वेट करो थोड़ा।
स्टोरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट कर सकते हैं गाइस। आप अगर बहुत कम लो यार, इसमें वो ऐसे कुछ भी मैटर नहीं यार कि आपको कम कंपटीशन ज़्यादा कंपटीशन वाले टैक्स उस तरीके से कुछ भी इसमें मैटर नहीं है, क्योंकि यार बहुत कम लोग है जो अपनी स्टोरी में, अब ज़्यादा लोग अपनी स्टोरी में हैशटैग यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आप कौन से भी जो यहाँ पे कीवर्ड जो ले सकते हो, मतलब यहाँ पे जो हैशटैग सर्च कर लेता हूँ मैंने आपको सक्सेस बोल के, सक्सेस कोर्स बोल के, अगर आपको इसको सर्च कर लेने के बाद गाइस यहाँ पे आपको इसको छोटा कर लेनी है, छोटा कर लेने के बाद आपको यहाँ पे इसको लगा लेनी है। अगर इसकी कलर की अगर बात करें तो गाइस यहाँ पे जो कलर में जाके बाद पिन ड्रॉप पे यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो ड्रॉप दिख रहा है इसको उठा लेनी है, उठा के आपको यहाँ पे इसकी जो कलर है उसको मैच कर लेनी है, क्योंकि गाइस वो हाइड हो जाता है ऑटोमेटिकली अगर आप इस तरीके से करोगे तो। देखो गाइस यहाँ पे जो वो टैग है वो आप पे हाइड हो चुका है, मतलब किसी को भी नहीं दिखेगा अब वो। गाइस इसी तरीके से आप और भी ज़्यादा टैग्स आप उठा सकते हो यहाँ पे, यहाँ से टैग्स उठा के अपनी जो व्यूज़ है स्टोरी पे वो बढ़ा के आप गाइस अपनी जो रीच भी बढ़ा सकते हो, और अगर आपको आपकी पसंद जो प्रोफाइल आएगी गाइस वो आपको ज़रूर फॉलो कर लेंगे। इस तरीके से आप अपनी स्टोरी पे व्यूज़ भी ज़्यादा पा सकते हो। मैंने यहाँ पे फिर से पिक कर लेता हूँ, ये पिक करके जो यहाँ पे जो कलर है यार उस कलर को सेलेक्ट करके इसको फिर से देखो गाइस ये भी फिर से हाइड हो गई, हाइड हो चुकी है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अपने स्टोरी पे भी लगा के ज़्यादा व्यूज़ आप पा सकते हो और अपनी एंगेजमेंट भी जो बढ़ा सकते हो। तो गाइस वीडियो में इतना था यार, जो पता था वो मैंने आपको बता दिया गाइस, आपको बोल बोल के अब मेरा गला सूख गया यार। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर चुके हो तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल नोटिफिकेशन ऑन करके इस तरीके से क्वालिटी वीडियोस आप कभी भी मिस नहीं कर सकते। चलिए गाइस मिलते हैं यार अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।